लड़कियां खुलकर करें माता पिता से बात। जम्बू से कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा पर निकली अशोकनगर की मुस्कान का हुआ कई जगह स्वागत। मैं नहीं मानती लड़कियों को दबाया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि कई बार लड़कियां अपनी रुचि के विषय में जो भविष्य है उसको लेकर माता पिता से खुलकर बात नहीं करती हैं। माता पिता को भी उनकी योजना के बारे में मालूम नहीं रहता। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आप अपने माता पिता से खुलकर बात करें और अपने भविष्य की योजना को बताएं। डरे नहीं, माता पिता भी उनकी रुचि के अनुसार उन्हें एक उनके भविष्य के लिए प्रेरणा दें। ये बात मुस्कान रघुवंशी ने कही। आज राम हाईटेक अस्पताल पर उनका स्वागत हुआ। मुस्कान 1 फरवरी से जम्बू से साइकिल द्वारा यात्रा करते हुए कन्याकुमारी जा रही हैं। करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा उनकी पूरी हो चुकी है। आज उनके शहर आगमन पर कई जगह स्वागत हुए। उनके साथ उनके पिता रामकृष्ण रघुवंशी, मां ममता भी मौजूद थीं, जबकि उनके भाई तनुज, मामा रानू और छोटा भाई देव साइकिल यात्रा में गाड़ियों से साथ चल रहे थे। यहाँ डॉक्टर YS रघुवंशी के घनश्याम के साथ रघुवंशी, अर्जुन सिंह रघुवंशी आदि ने उनका स्वागत किया। अस्पताल स्टाफ के साथ नर्सिंग छात्र व अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। नर्मदा परिक्रमा कर चुकी हैं मुस्कान। अशोकनगर में स्नातक तक पढ़ाई कर चुकी हैं मुस्कान। 2 साल पहले लॉकडाउन के समय नर्मदा परिक्रमा भी साइकिल से कर चुकी हैं। सभी लड़कियों के सपने पूरे हों, इस थीम को लेकर इस बार साइकिल यात्रा पर निकली हैं। रोजाना 150 किलोमीटर साइकिल चलाती हैं। आज आरोन से होकर भोपाल के लिए रवाना हुई। वे साइकिलिंग की नेशनल प्लेयर हैं और फीमेल SR भी। यात्रा पे निकली हैं, किस उद्देश्य के साथ निकली हैं, क्या? जी, मैं ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी की 1 फरवरी से स्टार्ट किया हुआ। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। तो कितने दिनों की यात्रा, कहाँ से कहाँ तक के लिए, कैसे आप रोजाना कितना किलोमीटर लगभग चल रहे हैं? ये 25 दिनों की यात्रा है और MP में 100 किलोमीटर के आसपास रहता है, पर MP से अपसाइड में एंड डाउन साइड में 150, 170 और 200 के लगभग रहता है पर डे। क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को? मैं सभी से बस यही कहना चाहूंगी, क्योंकि अपने बच्चियों के जो सपने हैं उन्हें पूरे करने दीजिए, और एज अ महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य लेके चल रही हूँ उसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि सशक्त भारत को होने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला माँ, बहन, पत्नी के रूप में अपने जो पुरुष होते हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे पुरुष लोग होते हैं वो अपने लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं, वैसे ही वो अपनी महिलाओं का रिस्पेक्ट करेंगे, डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे। जो आप यात्रा कर रहे हैं इसमें किस किस का सपोर्ट है आपके साथ अभी? जी, इस यात्रा में मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट, जैसे यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं, यहाँ जैसे प्यार मिल रहा है ऐसे मुझे अदर स्टेट्स में भी मिला, और मुझे कंटिन्यू यही सपोर्ट मिल रहा है, और मैं यही चाहती हूँ कि मुझे आगे भी यही सपोर्ट मिलता है।